चमक रहे हैं आज। कई बार प्लानिंग हुई सुचित जी के साथ, लेकिन संजोग ही नहीं बन पा रहा था। और ये देखिए कि इस बार दिल लागल लंदन वाली से जो फिल्म की प्लानिंग हुई, और बिल्कुल हमें ऐसा ही लुक चाहिए था जो कि ऐसा लगे कि नहीं वो लंदन से आई है। तो इनका देसी लुक भी जाता है और मतलब विदेशी लुक भी जाता है। तो बहुत सोच समझ के सूटी जी को हम लोगों ने ये रोल ऑफर किया, फिर इन्होंने कहानी सुनी और हामी भरी, तो वो बड़ा अच्छा संजोग बना है। तो एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाने की प्लानिंग है सूटी जी के साथ, अमरीश जी के साथ, और हमारे संगीतकार मुन्ना दुबे जी ने बड़े ही खूबसूरत और बड़े ही मतलब अच्छा म्यूज़िक बनाया है, और साथ ही बहुत अच्छे गीत भी लिखे हैं इस फिल्म के लिए। तो एक बहुत अच्छी प्लानिंग है। और आपको मैं बता दूं कि ये इस फिल्म में देश विदेश को जोड़ा गया है, और हमारे हीरो जो हैं एकदम प्योर बिल्कुल देसी अंदाज में दिखेंगे, और हमारी हीरोइन जो है एकदम आपको एकदम विदेशी अंदाज में दिखेंगी। तो देश विदेश का एक ऐसा अनोखा संगम इस फिल्म में, हालांकि पहले भी कई फिल्मों में हमारे हिंदी मेकर्स ने ऐसा जोड़ा है। तो भोजपुरी में हमारा ये प्रयास है कि मैं एक बहुत अलग तरह की फिल्म बनाऊँ, जैसा कि हमारी फिल्में हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर मैंने बनाया है। तो दिल लागल लंदन वाली से भी एकदम बिल्कुल डिफरेंट फिल्म बनेगी, पूरी तरह से लव स्टोरी फिल्म है और अलग तरह की लव स्टोरी है, और आप देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। मतलब आम लव स्टोरी से हाँ थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा इस लव स्टोरी में। आप लोग जाएंगे थिएटर में तो आप लोगों को कुछ नया फ्लेवर मिलेगा। एक तो सबसे बड़े लंदन देखने को जी हाँ जी हाँ। और दूसरी बात और कि इस पिक्चर में कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, बहुत साफ सुथरी फैमिली ड्रामा मूवी है ये। जब सिचुएशन हमें मिला था कि इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है ना कोई वैसे गाने हैं, तो लेकिन गाने के बारे में जानना चाहेंगे कौन कौन से सिंगर और कितने गाने होंगे फिल्म में। टोटल इस फिल्म में 8 गाने हैं। 8 गाने में अपने आलोक जी हैं, मोहन राठौर हैं, इंदु जी हैं, रितेश पांडे हैं, और जो भी मार्केट के जो भी सिंगर अपने यही है। ज़्यादातर अपना रोमांटिक सॉन्ग है, और गाना है चटनी का, लेकिन इसमें आपको लहसुन नहीं मिलेगा। मज़ा तो आएगा, क्यों बोले जी? इंदु जी बहुत अच्छा गाई हैं।